जीत उनको ही मिली है जो हार से जमकर लड़े हैं, जीत उनको ही मिली है जो हार से जमकर लड़े हैं, हार से डरकर डिगे जो वो धराशा ही पड़े। हमें और आपको ऐसे समय में बहुत हिम्मत के साथ काम लेना है। ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी, ये अभी प्रतीकात्मक आंदोलन चल रहा है, इसलिए संख्या बल इसमें बहुत विशेष महत्व नहीं रखता। आपने प्राथमिक शिक्षा के संघर्ष के इतिहास को जब कभी अपने बुजुर्गों के द्वारा सुना होगा, अभी हाल ही में हमने सुना, आपने सुना कि 59 दिन चला था प्राथमिक शिक्षा शिक्षकों का वह संघर्ष। 59 दिन तक पूरे प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में ताला लगा दिया गया था, तब जाकर के सरकार झुकी थी और हमारी मांगे मानी। आप जानते हैं कि दवा और भोजन, हमें जिस मात्रा में उसकी खुराक लेने की आदत पड़ जाती है, वही हमारी आदत में आ जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान की सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है। कौन नहीं जानता ये? इस कर्मचारी विरोधी सरकार की हैसियत कौन बताएगा? इस गुस्से को जो वर्तमान सरकार की कार्यशैली से आपके मन में है, इस गुस्से को 2022 तक जिंदा रखिएगा। रायमन पानी रखिए, पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चुन, मोती की चमक इंसान की प्रतिष्ठा पर जब आंच आती है, सामाजिक व्यक्ति का मर जाना सिर्फ सांसों के बंद हो जाने से नहीं हो जाता, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को जब क्षति पहुंचती है तो व्यक्ति मर जाता है। और ये सरकार शिक्षकों की सामाजिक मान मर्यादा और प्रतिष्ठा पर कुठाराघात करने का लगातार कुत्सित प्रयास कर रही है। इनके कुत्सित प्रयासों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का वक्त आ गया है। साथियों, मैंने मनवीर मधुर को कभी सुना, उसने कहा जब यूटा के साथी इस बात से आनंदित हो और अपने को हौसला अफजाई करें कि भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं, भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं, गांधी जी से ना कह पाया तुमसे बोल रहा हूं, भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं, गांधी जी से न कह पाया तुमसे बोल रहा हूं मैं, कि गौरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब कभी बेसिक शिक्षा मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा की सूची बनाई जाएगी तो सतीश द्विवेदी तेरा नाम दुश्मनों में शिक्षा के हितैषी नहीं हो सकते। राजा वो होता है जिसको पुरस्कार और दंड देना आता है, जो सिर्फ दंडवादी नीति के साथ सिंहासन पर आसीन हो जाता है वो राजा कहलाने का अधिकारी नहीं होता। करणम परोपकरणम येषां केषां न बंधा, संस्कृत की सूक्ति कहती है, नीति कहती है। मैं बात साहित्य की अपने गुरुओं से सीखा, विधानसभा के पटल पर, लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री, विधानसभा की प्राचीर से सूबे के मुख्यमंत्री, विभिन्न सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में देश के प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, भारत के गौरवशाली इतिहास के अतीत का बखान करते हुए अपने आप को बहुत गौरव की अनुभूति करते हैं। मैंने पढ़ा महर्षि परशुराम जी के जीवन का एक दृष्टांत मुझे याद आता है। भाजपा वाले अगर यहां हों तो ध्यान से सुने, बहुत बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। राजा प्रसेनजीत की पुत्री थी महारानी रेणुका, भगवान परशुराम की माता रेणुका राजा प्रसेनजीत की पुत्री थी। महर्षि जमदग्नि की तपस्या कर रहे थे, एक बार रेणुका को घर आने में विलंब हो गया, लौट करके भगवान परशुराम की जननी जब वह घर आई तो आवेश में महाराज जमदग्नि को क्रोध आ गया। घटना को कुछ इस प्रकार थी,
कि चित्ररथ नामक जंदर गंधर्व अप्सराओं के साथ जलक्रीड़ा कर रहा था। वह जलक्रीड़ा महा रेणुका कुछ देर ठहर करके वहां देखने लगी। इस बात को लेकर के चंदन जी को जब क्रोध आया तो आवेश में भर करके उन्होंने अपने चार बड़े पुत्र रमण, वाण, सुसेव और वसु को आदेश दिया कि अपनी माता का वध कर दो, जो नियमित समय पर मेरी दिनचर्या की उसमें अव्यवस्था उत्पन्न की है। भगवान परशुराम ने अपने मन में विचार किया कि गुरुओं ने, शिक्षकों ने माता के पद को, गुरु के पद को पिता के पद से बड़ा बताया है। गुरु जब माता नहीं होती तो गुरु माता का कर्तव्य विद्यालय में पूरा करता, वो एक बटे चार माता होता, एक बटे चार पिता होता, बाकी का आधा वो गुरु होता। माता और गुरु के दोनों कर्तव्यों को अपने जीवन में उतार करके निष्लाप विद्यार्थियों को सेवा देने का पौरुष करने वाले व्यक्तित्व का नाम गुरु होता है। लौट करके जब जननी घर आई तो आवेश में जमदग् ने चार बड़े पुत्रों को आदेश दिया कि माता का वध कर दो। महर्षि परशुराम ने अपने मन में विचार किया कि माता और गुरु का पद पिता के पद से बड़ा है, ऐसा मैं कैसे करूं। पुनः उन्होंने अपनी माँ की ओर अपलक दृष्टि से निहारा। माँ मौन खड़ी थी, शास्त्र की ओर, गुरुओं की व्यवस्था की ओर परशुराम जी ने विचार किया तो शास्त्र में लिखा पाया कि मौनम सम्मत लक्षणम, मौन सम्मति का सूचक है। ऐसा करके उन्होंने अपने परशु का प्रहार माँ के सिर पर कर दिया। जमदग्नि महाराज प्रसन्न हुए तो उन्होंने पूछा कि वरदान मांगिए। अब मैं साहित्य की बात करता हूं, जिस साहित्य की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग लाल किले की प्राचीर से करते हैं। उस साहित्य को देखिए, वहां क्या लिखा है कि अनुचित उचित विचार तज जय पाले गुरु बहन के भाजन सुख सुयस के बसाई अमर पतेन। ये मैंने कहा, ये हिंदुस्तान के धार्मिक सांस्कृतिक चेतना के शिखर पुरुष तुलसीदास ने लिखा।